हेलो गाइस, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और इस गिरते मार्केट में आप लोगों ने उन सभी कॉइन्स को बाय किया होगा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिटकॉइन, इथेरियम और बीएनबी की प्राइस प्रिडिक्शन क्या रहने वाली है। इनकी चार्ट एनालाइज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि आप ये बोल सकते हो कि जो मार्केट का दारोमदार है, क्रिप्टो करेंसी की जो पूरी मार्केट है, वो इन्हीं तीनों कॉइन पे टिकी हुई है। वैसे तो बिटकॉइन के ऊपर है, लेकिन बिटकॉइन के साथ साथ इथेरियम और बीएनबी के भी ऊपर थोड़ी सी मार्केट टिकी हुई है, क्योंकि बीएनबी एक बाइनेंस एक्सचेंज का टोकन है जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर टोकन है एक्सचेंज के मामले में, और इथेरियम सेकंड नंबर की क्रिप्टो करेंसी है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिटकॉइन के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है, लेकिन इथेरियम के अंदर हमें पंप देखने को मिलता है, तो बिटकॉइन फॉलो करता है इथेरियम को। वैसे तो बिटकॉइन को पूरी मार्केट फॉलो करती है। तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि इन तीनों की प्राइस प्रिडिक्शन क्या रहने वाली है, फ्यूचर क्या रहने वाला है, कब तक हमें कितने एक्स तक का रिटर्न मिलने वाला है, और मार्केट ऑल ओवर कब ऊपर उठना शुरू होगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को ये चार्ट एनालाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर जो लॉस में चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मार्केट काल देख लेते हैं। अभी मार्केट ग्रीन है, थोड़ा बहुत यहाँ पर हमें ग्रीनरी दिखाई दे रही है। मार्केट 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे मैंने ये चार्ट शिफ्ट करके रखे हैं। और अगर हम बात करें बिटकॉइन के फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो अभी इसका फियर एंड ग्रीड इंडेक्स चला है 39 पर, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अभी बिटकॉइन के अंदर बाइंग चल रही है, क्योंकि लो प्राइस पे मिल रहा है एक तरीके से। ये हम लोगों ने ये लेवल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बिटकॉइन $25,000 के लेवल के आसपास आएगा, लेकिन वहाँ पर आया, वहाँ पर अच्छी खासी बाइंग हुई। हम लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग लिक्विडेट होते भी दिखाई दिए, जिन लोगों ने फ्यूचर ट्रेड में एंट्री ले रखी थी। कुछ ने लॉन्ग किया था, कुछ ने शॉर्ट। तो जिन लोगों ने लॉन्ग किया था उन सभी को यहाँ पर लिक्विडेट किया गया है प्राइस को नीचे लाकर। अब हम बात करते हैं फाइनली इनके चार्ट्स की, कि चार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिटकॉइन की, क्योंकि ये क्रिप्टो किंग है, पूरी क्रिप्टो मार्केट इसी के ऊपर टिकी हुई है। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे मैंने ये चार्ट शिफ्ट करके रखा है। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे, इसके बाद 1 डे के टाइम फ्रेम पे। देखो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिला था, एक हेड एंड शोल्डर, जिसका यहाँ पर ब्रेकआउट भी हुआ, रीटेस्ट भी हुआ, और रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसने अच्छी ग्रोथ भी दिखाई, लेकिन वापस से ये डाउन आ चुका है। अब यहाँ पर देखो जो सेलर्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो बाइंग प्रेशर कितना तगड़ा था। सिर्फ एक हफ्ते में मार्केट इतना ऊपर गया, लेकिन इसको नीचे आने के लिए आप यहाँ पर कैंडल गिन सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ऑलमोस्ट 8-9 कैंडल यहाँ पर बन चुकी है। मतलब एक हफ्ते में मार्केट ने जो रैली दिखाई उसको नीचे आने के लिए यहाँ पर 8 हफ्ते लग चुके हैं। यहाँ पर सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि सेलिंग प्रेशर जो है वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे, और बाइंग प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसको शिफ्ट करता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। और देखो यहाँ पर ये एक मेजर सपोर्ट लेवल है, +200 EMA भी यहाँ पर आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर इसके इस लेवल के नीचे जाने के चांस बहुत ही ज़्यादा लो हैं। इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूंगा तो तब आपको अच्छे से बेटर समझ में आएगा। ये मैंने बिटकॉइन के चार्ट को 1 डे के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर दिया है। अब आप यहाँ पर देखो बिटकॉइन के अंदर किस तरीके से हमें यहाँ पर रैली देखने को मिल रही है। अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी थी, जिसका यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में ब्रेकआउट हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी, क्योंकि यहाँ पर 3 टाइम इसने इसको टच किया, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी, वो ब्रेक हुई। साथ ही साथ यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम पे 200 EMA भी ब्रेक हुआ। लेकिन यहाँ पर जो एक मेजर सपोर्ट लेवल है वीकली टाइम फ्रेम पे, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वो यहाँ पर अभी ब्रेक नहीं हुआ है। और 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप ये भी देख सकते हो यहाँ पर कि मार्केट एक ही रेंज में आकर फंस चुका है। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा रियरली ये चांस है कि यहाँ पर मार्केट हो सकता है $24,000 के आसपास आई, या फिर इस लेवल के आसपास $25,000 के आसपास वापस से आए, यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए, जैसे कि इंगल्फिंग कैंडल या फिर मॉर्निंग स्टार पैटर्न, और इसके बाद यहाँ से अपनी रैली को कंटिन्यू करे। अब देखो यहाँ पर बिटकॉइन किस तरीके से वर्क कर रहा है, यहाँ पर रैली, करेक्शन, फिर रैली, फिर करेक्शन, फिर रैली, फिर यहाँ पर करेक्शन। अब यहाँ पर वापस से हमें एक रैली देखने को मिल सकती है, मतलब कि हायर हाइज और हायर लोज बनाता हुआ जा रहा है बिटकॉइन। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी चांस बन जाते हैं कि अब यहाँ से मार्केट एक रिकवरी मोड की तरफ है और ऊपर ही जाने वाली है।
बाकी आप लोग यहाँ पर किस तरीके से एनालाइज करते हो, किस तरीके से बिटकॉइन को देखते हो, वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग किस तरीके से एनालाइज कर रहे हो। बिटकॉइन $25,000 से लेकर $24,000 के नीचे आता है तो वेट करना यहाँ पर कन्फर्मेशन का, यहाँ पर रिटेस्टमेंट मिले आपको तो ही आप यहाँ पर शॉर्ट के लिए एंट्री प्लान करना, फ्यूचर ट्रेड के लिए बता रहा हूँ, और तब आप इस लेवल को अपना टारगेट बना सकते हो। $20,000 के आसपास यहाँ पर बिटकॉइन आ सकता है, लेकिन इसके चांस ना के बराबर हैं, मतलब 1% चांस है, बाकी 99% यहाँ पर यही चांस है कि बिटकॉइन यहाँ से वापस से अपनी रैली को कंटिन्यू कर सकता है। हो सकता है यहीं पर अपनी सपोर्ट बनाए और यहीं से रैली कंटिन्यू कर दे, या फिर $24,000 के लेवल के आसपास आए या $25,000 के लेवल के आसपास आए और तब यहाँ से अपनी रैली को कंटिन्यू करे। तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर देख सकते हो आप, यहाँ पर इसने एक ही लेवल के आसपास अपनी सपोर्ट बना लिए, इस लेवल के आसपास यहाँ पर आप बोल सकते हो सपोर्ट बना लिए, या फिर ये एक बॉक्स रेंज में अभी चल रहा है, कंसोलिडेट बोल सकते हैं हम इसको कि कंसोलिडेट हो रहा है। जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तो तब हम इसके अंदर रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर बिटकॉइन यहाँ से रैली दिखाता है, अपनी रैली को कंटिन्यू करता है, तो किस लेवल तक बिटकॉइन जा सकता है और कहाँ पर हमें अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कहाँ पर हमें एंट्री लेनी चाहिए। दो लेवल आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं मार्क करने वाला हूँ जहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। फर्स्ट लेवल तो आप लोगों के लिए यही है जहाँ पर अभी मार्केट चल रही है, आप इस लेवल के आसपास बाय कर सकते हो, और सेकंड लेवल है ये जहाँ पर बिटकॉइन आ सकता है लगभग $25,000 के आसपास, और यहाँ से अगर बिटकॉइन ने रैली दिखाना शुरू की तो कम से कम इस लेवल के आसपास तक तो इसकी रैली ज़रूर चलेगी, जो कि $31,000 का लेवल है। तो यहाँ तक बिटकॉइन ईजिली आ सकता है और हम लोगों को अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप इस पॉइंट पे बाय करते हो तो तब भी यहाँ पर 20% की गेनिंग हमें बिटकॉइन से इजीली मिल सकती है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ बिटकॉइन का वो चार्ट शेयर कर रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन हो सकता है आप लोगों को ये चीज़ समझ में ना आई हो कि इस चार्ट में आखिर है क्या। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये बिटकॉइन का चार्ट है, और ये जो येल्लो वाली लाइन है ये इसके हैश रेट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्लियरली हमें यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिला है, डाउनफॉल, लेकिन हैश रेट यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। हैश रेट बढ़ने का मतलब है जिन लोगों के पास बिटकॉइन है, या फिर जो लोग बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिन्होंने बिटकॉइन की माइनिंग की हुई है, जो इसको माइन कर रहे हैं बड़े बड़े सेटअप लगाकर माइनिंग के, वो यहाँ पर अपने बिटकॉइन को सेल नहीं कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन को माइन कर रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में जब बुल रन आए तब ये उन अपने बिटकॉइन को सेल करके अच्छा खासा बेनिफिट ले सकें। तो वो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जब बिटकॉइन को होल्ड कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माइन कर रही हैं, तभी यहाँ पर हैश रेट इंक्रीज़ हो रहा है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ सेकंड चार्ट शेयर कर रहा हूँ जिसमें आप ये चीज़ देख सकते हो कि बिटकॉइन अपनी हिस्ट्री को बार बार रिपीट करता है, और काफ़ी सारे चार्ट में ऐसे आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूँ, तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। अब देखो यहाँ पर 2016 का ये चार्ट है बिटकॉइन का, यहाँ पर 20 जून को देखो यहाँ पर इसके अंदर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला, मतलब करेक्शन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अक्टूबर मंथ में आते आते इसने इस लेवल का यहाँ पर, मतलब ये जो चैनल बना हुआ है एक तरीके से बुल फ्लैग है, इसका ब्रेकआउट किया और इसके बाद रैली देखने को मिली। फिर 2019 में आ जाओ 20 जून को सेम वही चीज़ हुई, थोड़ी सी बड़े लेवल पर चली, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट, और फिर इसके बाद हमें एक इतनी बड़ी रैली यहाँ पर देखने को मिली। इसके बाद आप 2023 में आ जाओ, 2023 में 20 जून को देखो आप यहाँ पर उसी चैनल के अंदर है, यानी कि एक तरीके से बुल फ्लैग के अंदर है, और अभी यहाँ पर जो है करेक्शन है वो बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन को टच कर चुका है जो कि डाउन ट्रेंड की है। अब यहाँ से हो सकता है कि अक्टूबर मंथ आते आते हमें यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिले, इस चैनल का ब्रेकआउट हो, और फिर हमें यहाँ पर 2024 और 2025 के अंदर जो बुल रन चलेगा यहाँ पर उसकी रैली इसी तरीके से देखने को मिले जैसे कि हमें यहाँ पर 2016 में देखने को मिली थी काफ़ी बड़ी रैली, इसके बाद 2019 में देखने को मिली, और अब हो सकता है कि 2024-25 में भी हमें यही रैली देखने को मिले जो कि 2023 से शुरू हो जाएगी। तो वेट करो यहाँ पर अक्टूबर मंथ का और देखो कि इस चैनल का किस तरीके से ब्रेकआउट होता है, और ज्वाइन कर लो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी सारी अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। अब बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम के अंदर भी सेम चीज़ हमें देखने को मिल रही है क्योंकि बिटकॉइन को ही फॉलो करता है ये भी, और यहाँ पर अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पर देखो मैंने एक लेवल बनाकर रखा है, यहाँ पर इसको मल्टीपल टाइम यहाँ पर क्या मिला था, रिजेक्शन। अभी यहाँ पर क्या मिल रही है, इसी लेवल पर इसको सपोर्ट मिली है। अगर यहाँ पर ये इस लेवल को सपोर्ट बना लेता है तो फिर हमें इथेरियम के अंदर भी अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, ऑलमोस्ट इस लेवल तक, और सेकेंड लेवल होगा ये, यहाँ तक हमें इथेरियम देखने को मिल सकता है। अभी आप इस पॉइंट पे इथेरियम को बाय कर सकते हो,
और ऑलमोस्ट ये हमें 22 से लेकर 25 या फिर 30% तक की गेनिंग इथेरियम इजीली दे सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं बीएनबी की। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखने को मिल रहा है इसके अंदर एक बियर फ्लैग, कुछ इस तरीके से यहाँ पर बियर फ्लैग का यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है। और अब बीएनबी किस लेवल पर आकर रुकेगा, कहाँ पर हमें इसको बाय करना चाहिए, तो उसके लिए हम प्रीवियस पॉइंट पर चलते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर बीएनबी इन लेवल के आसपास आ सकता है। फर्स्ट लेवल ये है बॉडी के हिसाब से और वीक के हिसाब से ये लेवल है, तो ये दो लेवल आप मार्क कर लो। जैसे ही इन लेवल के आसपास आपको बीएनबी देखने को मिले तब आपको एंट्री लेनी है। फ्यूचर ट्रेड में मत लेना, स्पॉट में एंट्री लेना। और आपका जो प्रॉफिट टारगेट रहेगा वो आप दो लेवल को बना सकते हो। फर्स्ट टारगेट तो आप इस लेवल को बना सकते हो, $261 के आसपास है। सेकंड अगर टारगेट की हम बात करें तो यहाँ पर बीएनबी इस लेवल को इजीली टच कर सकता है $337 के लेवल के आसपास। ये भी काफ़ी अच्छी रैली हमें दिखा देगा। अगर हम बात करें कैलकुलेशन की, बीएनबी यहाँ से इस लेवल से कितने एक्स्ट्रा का हमें रिटर्न दे सकता है, तो वो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो 65% की गेनिंग हमें बीएनबी दे सकता है। तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, आप इसको इनको बाय कर सकते हो। सो गाइज, आई होप कि आपको ये चार्ट एनालाइज वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके जिन लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए। और आप लोगों की क्या थॉट है बिटकॉइन को लेकर, इथेरियम को लेकर, बीएनबी को लेकर, और जो मार्केट में अल्टकॉइन है उनको लेकर, ऑल ओवर क्रिप्टो मार्केट को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और इसके बाद एक और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें मैं कुछ अल्टकॉइन के चार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप चैनल पर न्यू हो, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।